आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर व जिला अध्यक्ष के नाते मुझे हमारे औरंगाबाद से वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का आदेश आया है। वो आदेश ये है कि हमारे जो MIM पार्टी के नगर सेवक हैं तस्लीम इरफान शेख, जिन्होंने पिछले दिनों में ये जो समिति की निवड थी उसमें पार्टी का प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और आदेश नहीं मानते हुए BJP को वोटिंग किया था, तो आज उनके निलंबन का ये नोटिस आया हुआ है। तो ये नोटिस उनको बजाने के लिए और ये प्रेस रिलीज अब कॉन्फ्रेंस हम लोग ने लिए थे बताने के लिए कि MIM पार्टी से ये नगर सेविका को निलंबित किया गया। सर जिन्हें राष्ट्रवादी में प्रवेश करना चाहते हैं, देखो उनकी मर्जी की बात है, हर इंसान को अपना फैसला लेने का अधिकार है। वो राष्ट्रवादी में जाना चाहते हैं उनका फैसला है, उनके फैसले के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ये हमारी पार्टी का हमारे पास अधिकार है। जो पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़ेगा और पार्टी के रूल्स को तोड़ेगा तो हम लोग को उस पर कार्रवाई करना जरूरी है, तो इसके लिए कार्रवाई। देखो नगर सेविका जो हमारी बहन है वो जज्बाती है, नौजवान है, गुस्से में है, हमारे सोलापुर शहर में हमारा नुकसान हो रहा है, नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। इसमें और कई लोगों ने अफवाह की पैसे का कारोबार हुआ, और जिसके पास भी सबूत है, प्रूफ है, पैसे का कारोबार हुआ, उन्होंने वो हमें ला कर दिखाना। आता सध्या जर फारूक शब्दांनी निलंबनाची कारवाई केलेली आहे, प्रेस नोट सुद्धा आपण जाहीर केलेलं आहे, त्या तुमची प्रतिक्रिया काय आहे सध्याला? कार्रवाई वो पक्ष का मामला है, लेकिन और हमें दूसरी अहम बात यह है, पक्ष की कार्रवाई कब होती है? जब पूंजी समिति का इलेक्शन है या स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन है, जो भी रहेगा, तो पार्टी के शहर अध्यक्ष गठ नेता सभी सदस्यों को बुलाना, मीटिंग लेना और पार्टी तरफ से व्हीप काटना, ऐसा व्हीप हमको नहीं मिला, हमारे किसी भी नगर सेवक को नहीं मिला, व्हीप भी नहीं मिला, मीटिंग भी नहीं हुई, चर्चा भी नहीं हुई, और हमें शहर अध्यक्ष जो है कभी हमें हमारे भरोसे भी लिए नहीं, कभी मीटिंग नहीं बुलाई, कभी कुछ काम में नहीं, और गठ नेता भी जो इसके बारे में हमें कुछ बताए नहीं और व्हीप भी नहीं काटे, इसमें जो है उनकी दोनों गलती है, शहर अध्यक्ष और गठ नेता।